वेलकम टू हमारे चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर मैं कितनी बार कहूंगी। पता है एक दिन तो ऐसा आया था जब एक भी सब्सक्राइब नंबर नहीं पड़ा था। जब ऐसा होता है ना तब रिकॉर्ड करने का मेरा मूड ही मर जाता है। मुझे चेयर अप करने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। और आज हम देखने वाले हैं एक न्यू अमेजिंग स्टोरी। इस कहानी का कॉन्सेप्ट है ओमेगावर्स। लेकिन ओमेगावर्स में अल्फा, बीटा और ओमेगा ऐसे कई दूसरे जेंडर भी आते हैं। लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है। इसमें लोग ऐसा नहीं कह रहे कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये ओमेगा है। इस कहानी में दूसरा जेंडर ब्लड टाइप से पहचाना जाता है। मतलब कि ब्लड टाइप ए यानी कि अल्फा, ब्लड टाइप बी यानी कि बीटा और ब्लड टाइप ओ यानी कि ओमेगा। और इसमें एक चौथा भी आता है, ब्लड टाइप ए बी। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ में आता जाएगा। और हाँ, जो ब्लड टाइप ए होते हैं, अल्फा होते हैं, उसे एक एंटीबाइट मास्क पहनना होता है। और जो ब्लड टाइप ओ ओमेगा होते हैं, उसे एंटीबाइट कॉलर पहनना होता है। और जो ब्लड टाइप बी होते हैं, उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कहानी में टाइप ए ब्लड और टाइप ओ ब्लड को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। मतलब कि उन दोनों टाइप के ब्लड वाले लोगों में बहुत अच्छी अच्छी खासियत होती है और टाइप बी ब्लड वाले लोगों के अंदर कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई खासियत नहीं होती है। और इस कहानी में टाइप बी ब्लड वाले लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर है निंगयू और सोंग वोलाओ। निंगयू है टाइप बी ब्लड और सोंग वोलाओ है टाइप ए ब्लड। यानी कि ये कहानी होने वाली है बीटा एक्स अल्फा। लेकिन हाँ, इस कहानी में हम अल्फा बीटा ओमेगा नहीं बोलेंगे, ब्लड टाइप ए बी ओ बोलेंगे, ठीक है। तो अब कहानी की शुरुआत होती है। निंगयू जो इस कहानी का एमसी है, वो एक बेकर है। वो लाइव स्ट्रीम में बेकिंग करता है। वो पहले एक बेकरी में काम करता था लेकिन वो अब वहाँ पे काम नहीं करता है, वो एक लाइव स्ट्रीमर बन गया है। लेकिन कल कुकिंग करते वक्त उसका हाथ जल गया था तो आज लाइव स्ट्रीम में वो कुछ भी बेक करके नहीं दिखाएगा, वो एक कहानी रीड करेगा। उसने दोपहर तक कहानी रीड करी। दोपहर के 2:30 बजे तक उसने स्ट्रीम किया और फिर वो कोल्ड बियर का मजा लेते हुए न्यूज सुन रहा था। न्यूज में आया कि सोंग वोलाओ जो शिया शेंग ग्रुप के चेयरमैन है, उसकी शायद इस साल जूली के साथ शादी होने वाली है जो जू वुड इंडस्ट्री का एक सक्सेसर है। यू ये न्यूज सुन के चौंक गया और उसके हाथ से बियर का कैन नीचे गिर गया। बियर उसके इकलौते लैपटॉप पे गिर गई जिससे वो लाइव ब्रॉडकास्ट करता था। यू परेशान हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया, कल मेरा हाथ इंजर्ड हो गया था और आज मैंने मेरे लैपटॉप पे बियर गिरा दी, शायद कुछ दिनों तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। वो अपना लैपटॉप रिपेयर करवाने एक शॉप पे गया। यू सोच रहा था कि उसकी मेंटेनेंस फीस तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक नया लेने से तो ये बेहतर ही है। वो लैपटॉप रिपेयर होने का इंतजार कर रहा था और उस दौरान वो वॉशरूम जाके फिर अपना फेस धो रहा था। वो आईने में देख के बोलता है कि ये मेरा कैसा हाल हो गया है, शायद इसलिए ही लोग मेरी ओर अजीब तरीके से घूर रहे थे। मैं तो एक ऐसे वैम्पायर जैसा दिख रहा हूँ जो पिछले 800 सालों से ना सोया हो। प्लीज जल्दी से मेरा लैपटॉप ठीक हो जाए ताकि मैं फिर से अपना काम शुरू कर सकूं। तभी वो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा देखता है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा क्यूट था। यू सोचता है वो यहाँ पे अकेला क्यों है और वो उस बच्चे से कहता है, हे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है। लेकिन काफी देर बाद वो बच्चा कुछ भी नहीं बोला। यू सोचता है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या उसे सुनने में प्रॉब्लम है। वो उस बच्चे के कान के पास चुटकी बजा के चेक करता है कि नहीं, सुनने में तो प्रॉब्लम नहीं लगती। वो बाहर आके चेक करता है तो बाहर तो उसका कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था कि लगता है यहाँ पे बाहर उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं है। वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पे है। और वो मन में बोलता है, अगर वो इतना वार्म और सॉफ्ट ना होता तो ऑनेस्टली मैं तो उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लेता। इस कहानी में AI टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई हो ऐसा दिखाया गया है। यू उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम या फिर पापा का नंबर पता है। वो बच्चा यू के फोन में एक नंबर टैप करके देता है। यू पूछता है, क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर है। वो उस पे कॉल करता है और कहता है, वो मुझे एक बच्चा मिला है, क्या वो आपका है। सामने जिस पर्सन ने फोन उठाया था वो पहले तो चुप रही और फिर कहती है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। अगर तुम पैसों के लिए स्कैम करना चाहते हो तो मैं अभी बिजी हूँ, किसी और को ढूंढ लो। बस वो इतना कह के कॉल काट देती है। यू परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इस बच्चे को हेल्प डेस्क पर ले जाना चाहिए। तभी वो बच्चा बिना कुछ बोले बस उसे पॉइंट करके दिखाने लगा कि वहाँ पे जाना है। यू कहता है, क्या वहाँ पे ऑफिस है, तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ पे काम करते हैं, चलो तो फिर मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाता हूँ। लेकिन वहाँ पे पहुँच के यू को पता चला कि ये तो शिया शेंग ग्रुप है। शिया शेंग ग्रुप वही है जिसके बारे में आज दोपहर को यू ने न्यूज सुनी थी कि उस कंपनी के ओनर की शादी होने वाली है जूली के साथ। जूली जो जू फैमिली की वुड इंडस्ट्री का सक्सेसर है। यू सोचता है कि ये तो शिया शेंग ग्रुप है, यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं, मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता हूँ। वो वापस जाने लगा लेकिन उस बच्चे ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक दिया और बिना कुछ बोले उसे पॉइंट किया कि वहाँ पे जाना है। यू सोचता है, सीरियसली मैं यहाँ पे कैसे आ गया।
तभी शिया शेंग ग्रुप की एक वर्कर आती है और कहती है, यंग मास्टर क्या ये आप है? यू तो सरप्राइज रह गया कि क्या ये छोटा लड़का यंग मास्टर है। लेकिन उस दूसरी लड़की को देखकर वो छोटा लड़का यू के पीछे छुपने लगा। वो लड़की कहती है, मुझे असिस्टेंट ली ने बताया था कि न्यू नैनी आज यंग मास्टर को बॉस से मिलवाने लाने वाली है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि न्यू नैनी एक लड़का होगा। चलो मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाती हूँ, मेरे पीछे आओ। और वो यू को उस छोटे बच्चे की न्यू नैनी समझ के अपने साथ ले जाने लगी। यू उसे कहना चाहता था कि मैं न्यू नैनी नहीं हूँ, लेकिन वो लड़कियाँ तो उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी कि प्रेसिडेंट सॉन्ग अभी मीटिंग में है, तो प्लीज तुम थोड़ी देर उसकी ऑफिस में इंतजार कर लो। यू सोचता है कि क्या प्रेसिडेंट सॉन्ग? शिया शेंग ग्रुप में उसके अलावा कोई भी खुद को प्रेसिडेंट सॉन्ग डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यू बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि वो अभी ही सॉन्ग वोलाव से नहीं मिलना चाहता, लेकिन वो अभी एक्सीडेंटली सॉन्ग वोलाव की ऑफिस में पहुंच गया। वो लड़की उसे ये कह के चली गई कि तुम यहाँ पे इंतजार करो, मुझे कुछ काम है तो अब मैं चलती हूँ। उस बच्चे ने अभी यू का स्लीव पकड़े ही रखा था, मतलब वो उसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था। यू उस बच्चे से कहता है, बेटा क्या तुम यहाँ पे अकेले ही अपने पापा का इंतजार कर सकते हो? मैं अभी बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला, यू तो झटका खा गया। उसे पीछे देखने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने देखा वहाँ पे सॉन्ग बुलाव आया था। यू सोचने लगा कि अभी तो 7 साल हो गए हैं, वो तो शायद बहुत लंबे वक्त पहले ही मेरा नाम भूल गया होगा। नहीं, पहली बात तो ये कि उसने मुझे पहले कभी सीरियसली लिया ही नहीं था। लेकिन जैसे ही सॉन्ग बुलाव ने उसकी आंखों में देखा, यू चौंक गया, मतलब कि उसे यू अभी याद है। वो उसे कहता है, ये तुम हो? यू हेजिटेट करता हुआ कहता है, हाँ तुमसे मिले काफी वक्त हो गया सॉन्ग बुलाव, आपके लिए एक सवाल। हाँ मुझे पता है अभी कहानी की शुरुआत ही हुई है, लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा? ऑप्शन 1 निंग यू, ऑप्शन 2 सॉन्ग बोलाओ। और हाँ मुझे पता है कि सॉन्ग बोलाओ का जो बेटा है जिसे सब लोग यंग मास्टर कह रहे हैं, वो तो आपको बहुत प्यारा लगा है, तो इसका तो कोई सवाल नहीं, वो बहुत ज्यादा क्यूट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।